चैनल आज हम बनाएंगे दही पुडिंग। दही पुडिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 चम्मच दही लिए, इसका मैंने सारा पानी निकाल दिया, तो इसको हम तैयार कर लेते हैं। बर्तन लिए, अब इसमें हम दही डाल देंगे। और 4 चम्मच हम मिल्क पाउडर डालेंगे। चार चम्मच हम चीनी डालेंगे। चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। चीनी को हमने अच्छी तरह से घोल लेना है और दही को भी हमने अच्छी तरह से फेंटेंगे। इनको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। अब हम सारा दूध डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी लिया है, पानी को हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ मैंने एक कंटेनर लिया है, अब इसमें हम घी डालेंगे। घी को हम ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। अब घी को हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिए। अब इसको हम कंटेनर में डालेंगे। आप चाहे इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैं इसको बिना फूड कलर से ही बनाऊंगी। तो अब इसको हम कंटेनर में डाल देते हैं। अब इसको हम कंटेनर में डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे। अब इसको हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। ये हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम स्टैंड रख देंगे। अब इसमें हम कंटेनर रख देंगे और इसको हम ढक देते हैं। इसको हम अच्छी तरह से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। हमारी पुडिंग को स्टीम होते 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। धीरे से उठाएंगे। अब चक्कू से हम इसको इस तरह से लगा के देखेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ आ रहा है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम आराम से निकालेंगे। पुडिंग को निकाल लिया, इसको हम ठंडा होने देंगे। इसको ढक देते हैं। पुडिंग को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये ठंडी हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी साइडें छुड़ाएंगे। इस तरह से चक्कू से हम साइड छुड़ा लेंगे। अब इसके हमने साइडें छुड़ा लिए। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और इसको हम उल्टा कर देंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे। अब इसको हमने निकाल लिए हैं। अब इसको हम कट करेंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब इसको हमने कट कर लिए। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी पुडिंग। अब हमारी दही पुडिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।